बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर नंबर 18 में हम कवर करेंगे फॉर लूप स्टेटमेंट, और इसमें हम फॉर लूप का सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। व्हाट इज अ लूप? A set of statements that is executed again and again until the given condition is true. Program में जो statement लिखी होती है, अगर वो बार बार repeat होती रहे एक given conditions तक, जब तक वो given conditions true होगी, तो वो उस वक्त तक वो execute होने को हम loop कहते हैं। There are three types of loop in C++, जैसा कि for loop, while loop and do while loop। for loop का syntax हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं for, लिखते हैं, इसके बाद initialization होती है। initialization सिर्फ एक बार होती है, जब control loop के अंदर enter होता है तो initialization होती है, इसके बाद initialization नहीं होती। इसके बाद condition check करेंगे, अगर conditions true होगी तो वो body of the loop में enter होगा, और इसके बाद वो इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लाजमी होता है। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा जो टारगेट पॉइंट होता है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, और बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, और ये भी बॉडी ऑफ द लूप ही का ही पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। इसके बाद फिर वो दोबारा कंडीशंस की तरफ मूव करेगा, अगर कंडीशंस ट्रू होगी तो फिर यही स्टेप को रिपीट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा, इसको वो एग्जिट फ्रॉम लूप कर देगा, लूप से क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट करेगा और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर देगा। तो ये था इसका फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 10 बाय यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है। मैं लिखा फॉर इंट x, इसके अंदर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसके बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस प्लस, और ये मैंने बॉडी में लिख दिया। सी आउट x करें और इसको एंड लाइन करें। तो इसको आउटपुट किया है 1 से लेकर 10 तक इसने काउंटिंग लिखनी। बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट लूप का पार्ट होती है, लूप की बॉडी का पार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट लूप का पार्ट होती है, जिसको हम बॉडी कहते हैं। सी आउट, मैंने एक्स लिखा, एंड लाइन लिखा, अगर इसके बाद मैं लिखता हूं सी आउट, मैं स्टार लिखता हूं, सपोज 1 2 3 स्टार लाइक दिस, ओके। तो यहां पे क्या करेगा, सबसे पहले वो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा और फिर स्टार को प्रिंट करेगा। मैंने एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल और रन किया, ये देखिए उसने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट की और फिर उसने स्टार प्रिंट किया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका पार्ट थी। अगर मैं चाहता हूं कि वो 1 प्रिंट करे, फिर इसके बाद 3 स्टार प्रिंट करे, फिर 2 प्रिंट करे, फिर स्टार प्रिंट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको स्टार को भी इसकी बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा, इसका पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल और रन किया, स्टार 1 पे स्टार प्रिंट किया, 2 पे स्टार प्रिंट किया, 1 पे स्टार प्रिंट किया, 2 पे स्टार प्रिंट किया, 3 4 5 सो ऑन उसने मूव कर दिया, ठीक है।
क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, स्टार को भी लूप के लूप का लूप की बॉडी में लिख दिया, तो वो इसका क्या बन गया, इसकी बॉडी का पार्ट बन गया। ठीक है, तो जिस वजह से वो क्या कर रहा है, वो पहले है इसकी वैल्यू को शो कर रहा है, पहले वन शो करेगा फिर स्टार प्रिंट करेगा लाइक दैट। तो यहां पे जो मैंने इनिशियलाइज की है, इसको मैं आउटसाइड लूप भी कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं इंट एक्स, यहां पे मैं एक्स डिक्लेयर कर दूं, यहां पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दूं, और यहां पे मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसने आउटपुट शो कर दी। इसको मैं इधर भी इनिशियलाइज कर सकता हूं, x इक्वल टू सपोज 1, x इक्वल टू सपोज 5, और यहां से मैं सिर्फ इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट को स्किप भी कर सकता हूं। मैंने स्किप किया, एग्जीक्यूट और मैं रन करता हूं, तो उसने उसके मुताबिक शो कर दिया। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 25 इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट। हमने क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर शो करने हैं, यानी 25 से स्टार्ट करके हमने 1 तक मूव करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं लिखा फॉर इंट एक्स इक्वल टू 25 से स्टार्ट करें, और x क्या रहे, ग्रेटर देन 1 तक मूव करें, क्योंकि 1 तक हमने 1 से ग्रेटर तक जाना है, 1 तो इवन नंबर है नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, x ग्रेटर देन 1 कर दिया जी। और x में क्या कैसे मूव करेगा, 25 होगा तो 1 तक कैसे मूव करेगा, 1 तक कैसे अप्रोच करेगा जब हम उसमें डिक्रीमेंट करेंगे। यहां मैं लिखता हूं इफ x परसेंटेज टू इक्वल टू 0, यानी कि x को डिवाइड करो 2 के साथ, और अगर इसका रिमाइंडर बाकी जो 0 बचे तो उस वक्त उस वाले x को शो कर दो, क्योंकि इवन नंबर जो भी होगा वो रिमाइंडर 0 देगा। सी आउट x मैंने कर दिया, और यहां पे मैं स्लैश t लिख देता हूं, स्लैश t लिख दिया टैब के साथ। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूं, कंपाइल और रन किया, उसने देखे 24 पहले किया, फिर 22 किया, 20, 18, 16, सो ऑन, कहां तक कर दिया, 2 तक उसने इवन नंबर शो कर दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, वो इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइजेशन करके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट में आएगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और लूप की बॉडी में क्या, और एक्स परसेंटेज टू इक्वल टू 0, ये उसका रिमाइंडर चेक करे, अगर 0 आ जाता तो उसको प्रिंट करे। इसके प्रिंट करने के बाद जब लूप की बॉडी यहां पे एंड हो रही है, तो यहां से फिर कहां पे जाएगा, डिक्रीमेंट करेगा, 1 का डिक्रीमेंट करेगा, और सो ऑन, वो इस स्टेप को रिपीट करता जाएगा जब तक एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब 1 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए हम इसका ट्रेस टेबल देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया हुआ, वेरिएबल x लिया हुआ, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ, जो कि इसकी कंडीशन में यहां पे चेक किया जा रहा है, यहां पे इसका चेक किया जा रहा है, फिर x माइनस माइनस किया हुआ तो जो कि 1 का डिक्रीमेंट करेगा, x परसेंटेज 2 किया हुआ, ये मैंने वो सारे वेरिएबल को लिए हुए हैं। ठीक है, तो जब x इक्वल 25 होगा, ये एक इनिशियलाइजेशन हो रही है जो कि फर्स्ट टाइम होगी, इसके बाद नहीं है, जिसके बाद वो दोबारा नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक मरतबा होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक की जा रही है 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि कंडीशन में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, और x की वैल्यू 25 है, 25 ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है। फिर इसके बाद क्या किया जा रहा है, 25 को डिवाइड किया जा रहा है 2 के साथ, और चेक किया जा रहा है कि उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो अगर मैं 25 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो बाकी उसका 1 बचता है, 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो इसके लिए आउटपुट में कोई चीज शो नहीं करेगा। इसके बाद x माइनस माइनस की वजह से वो 1 का डिक्रीमेंट करेगा, तो वैल्यू x की बन जाएगी 24। इसके बाद 24 ग्रेटर देन 1, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर इसके बाद फिर इसका रिमाइंडर चेक करेगा, तो इसका रिमाइंडर 0 इक्वल टू 0 आता है, तो आउटपुट में क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x इज 24।
इसके बाद 23 के लिए चेक करेगा, 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी ट्रू है। फिर इसके बाद 23 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तो 1 इक्वल इक्वल टू 0, जो कि 1 इक्वल इक्वल टू 0 नहीं है, इसके 1 0 के बराबर नहीं होता, तो क्या करेगा, आउटपुट पे नहीं डिस्प्ले करेगा और x में 1 का डिक्रीमेंट करेगा, तो 22 शो करेगा। फिर 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है। 22 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो आउटपुट पे x की वैल्यू शो करेगा और x की वैल्यू 22 है। 21 के लिए चेक करने जा रहा है, 21 ग्रेटर देन 1, यस, तो 21 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर चेक करेगा, रिमाइंडर इसका 1 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट नहीं शो करेगा। इस तरह 20 के लिए चेक करेगा, 20 ग्रेटर देन 1 है, तो 20 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर चेक करेगा, रिमाइंडर इसका 0 इक्वल टू 0, 0 आ गया, तो इसलिए क्या करेगा, वो आउटपुट पे 20 शो करेगा। इस तरह प्रोग्राम मूव करता जाएगा। ओके, मूव करते करते कहां तक मूव कर जाएगा, सपोज वैल्यू 2 आ जाती है इसकी, ठीक है। जब 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका रिमाइंडर 0 आएगा और 0 इक्वल इक्वल टू 0 होता है, तो आउटपुट में भी वो क्या शो करेगा, 2 शो करेगा। इसके बाद फिर वो 1 का डिक्रीमेंट करेगा, अब x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, वो चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 1, जो कि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, 1 क्योंकि 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इस पॉइंट से, इस जगह से, इस कंडीशन को चेक करने के बाद लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर।